देख रही है। सो काऊ बहुत अच्छी लगती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सेलिब्रेशन करने एनिवर्सरी का। आज भी एनिवर्सरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों के साथ में ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और आज मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज ही मेरी मैरिज एनिवर्सरी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, एक होटल है तो हम लोग वहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। साथ में हमारी दीदी आई है, वैशाली दीदी, और सानू है मेरी चाची की लड़की, और मेरे हबी भी आए हुए हैं, और साथ में आरोही भी है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। और मैंने यहाँ पे ये साड़ी पहनी हुई है ग्रे कलर की, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है आपको मेरी साड़ी। और मैंने यहाँ पे सिंपल से मतलब गले पे कुछ भी मैंने यहाँ पे पहना हुआ नहीं है, सिर्फ मेरा मंगलसूत्र है। और मैंने यहाँ पे इयररिंग्स पहने हुए झुमके, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहा है। ये मल्टी शेड में आप लोग देख सकते हैं। और बाकी सबको भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बउआ क्या कर रही है? बैलून से खेल रही है आप? कहाँ आई? मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी करने आई ना, है लड्डू। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि श्री राम जी की मूर्ति की आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में। तो उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। बट आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी है तो हम लोग इसका सेलिब्रेशन करने के लिए आए हैं। और आप लोग सुन भी रहेंगे कि यहाँ पे गाने चल रहे हैं राम जी के। और अब हम लोग अपने कुछ यहाँ पे गाने लगा लेते हैं इन्जॉय करने के लिए। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, ब्लॉग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयफुल होने वाला है। सो ब्लॉग में आप लोग एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ में। तो चलते हैं, ब्लॉग को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो एंजॉय। चलो फिर चले। चलो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे क्योंकि हम लोग को केक लेना था। तो नीचे यहाँ पे बेकरी है तो हम लोग जा रहे हैं नीचे केक लेने के लिए। सो मैंने यहाँ पे एक ये वाला केक मैंने पसंद किया हुआ था। तो मुझसे आलोक बोल रहे थे कि कौन सा केक लेना है तुम्हें, तो मैंने कहा आप देख लो। बट वो क्या है ना कि हमेशा ये कहते हैं कि तुम अपनी पसंद से देख लो तुम्हें कौन सा अच्छा लगे। तो मैंने ये वाला केक यहाँ पर ले लिया था तो अभी ये रेडी हो रहा है। सो केक जो है वो हमारा टेबल पे आ गया हुआ है। और आरोही भी अपनी मौसी के साथ यहाँ पे खेल रही है और हाथ पे अपने बैलून लिए हुए है। उसके ना बैलून बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो जहाँ भी उसको बैलून दिखता है ना तो वो वहाँ से उसको तुरंत निकलवा लेती है किसी के भी थ्रू। लगा दो कोई सभी आरोही मेरी इयररिंग छू रही है ना। आरोही मेरी इयररिंग छू रही है ना 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 लो कटले पे हाथ दे अभी पकड़ो दीदी कटले पे हाथ दे पकड़ लो पकड़ नहीं भैया आप मेरे कान के मत छूना प्लीज टूट जाएंगे ना ये मैं चले लगी।
सारी तैयारियां हो गई हैं। हम लोगों ने अपना एक केक भी है टेबल पर अच्छी तरह से रेडी कर दिया है और थोड़ी सी डेकोरेशन हम लोगों ने यहाँ पे कराई थी, तो चलते हैं अब हम लोग केक कट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा डांस वगैरह मस्ती धूम सब किया था। सो व्लॉग में आप लोग सब देखने को मिलेगा आप लोगों को। बोलो मम्मी पापा हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। सो केक कट करने के बाद ना ये कितनी मस्ती करती बेटू, तो सब लोग बोल रहे थे कि डांस कर लो और तो फिर मैं गई, मैंने इनके साथ में डांस किया, कुछ फोटो सेशन वगैरह भी हम लोगों ने किया। सो मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आया था, आप लोग देख के ही समझ रहे होंगे। और इसके बाद मैंने अपनी दी के साथ भी डांस किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहा। सो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को हमारे डांस कैसा लगा। आई होप गाइस आप लोग इस ब्लॉग को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होंगे। सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। क्या है आप लोग देख सकते हैं। और यार वही अपनी मौसी के साथ ऐसे टंगी हुई है, क्या हो गया तुम्हें, खूब केक खा लिया। पापा भैया को क्या खिला रहे हैं, पनीर ना, वाह गरम तो नहीं है ना। आरोही को भी बहुत जोर से भूख आई थी तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैंने सब्जी और चावल मंगाए हुए थे तो मैं आरोही को थोड़ा खिला रही हूँ। और उसको ना पनीर बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो जो पनीर के पीसेस थे वो मैंने उसको खिलाइए खिलाइए। शादी वाले दिन खिलाया जाता है ना इस तरह रात में बैठ के ना, अपन ने तो खाना नहीं खाया था, इतने समय तैयार हो गई थी। हां गाइस हम लोगों ने अच्छे से खा पी लिया है और अब काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आरोही हमारी देखिए सो गई मौसी के साथ अभी, तो हम लोग निकलते हैं घर के लिए। आई होप आप लोगों को ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोगों को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री। सो गई ना।